भाकर सर की आदमपुरा सर जमीन पर हमारे बीच उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक और गरीबों के मसीहा हरिजी चौधरी साहब, सम्मानित मंच, तमाम जनप्रतिनिधिगण, युवा साथियों, मेरी बहनों, माताओं और प्यारे बच्चों और बच्चियों, सबसे पहले तो मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपकी स्कूल 12th हरिजी चौधरी साहब के अथक प्रयासों से हुई। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ेगा भाई तू तो ही बढ़ेगा भाई तू, वाकई में ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज इतनी भारी तादाद में यहाँ पे जो बच्चे और बच्चियाँ बैठी हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हरिजी चौधरी साहब को कि उन्होंने इतनी दूर, जहाँ 12th स्कूल बहुत दूर है यहाँ से, वहाँ पे 12th स्कूल करवाई। यहाँ पे बच्चे और बच्चियों की संख्या 137 बच्चे हैं तो बच्चियाँ भी 137 ही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इन बच्चियों के लिए स्पेशली मैं इन बच्चियों की तरफ से साहब आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतनी दूर जब 8th हो जाती थी तो बच्चियों का जाना बहुत ही मुश्किल होता था। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में यहाँ पे आए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मांग रखी कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये स्कूल 12th करवा दीजिए। तो मैं बहुत बहुत तमाम ग्रामवासियों की तरफ से हरिजी चौधरी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी कि यहाँ पे उन्होंने 12th करवाई। सिर्फ स्कूल ही नहीं, देखा जाए तो ढाणी ढाणी जल योजना, ढाणी ढाणी बिजली योजना, ट्यूबवेल्स, पंचायत, रेवेन्यू विलेज, बहुत ऐसे काम जो जो हमने मांगे और जो जो हमने नहीं भी मांगे वो हरिजी चौधरी साहब ने पूर्ण किए हैं। 2018 में हमने सबने एक होके बहुत ही भारी मतों से विजयी बनाया। मेरे से पूर्व सत्तन साहब ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा, हमें कभी ट्रैक से हटना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है, इंसान एक ट्रैक में रहेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा और हमारी पूछ ही उसी में है कि हम किस ट्रैक में रहें। मैं तमाम ग्रामवासियों को, जो मेरे यहाँ पे जितने भी भाई वगैरह सब बैठे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगी बहनों को कि जो विकास इन 5 सालों में हुआ है वो पिछले 75 सालों में कहीं नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हरिजी चौधरी साहब ने क्या क्या किया, लेकिन आप सभी भलीभांति परिचित है कि उन्होंने क्या किया। तो इसका लेखा जोखा हमें करना है कि हमारा फ़ायदा किस में है। अब जनता खुद जान चुकी है कि हमारा फ़ायदा किस में है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आगे भी इसी तरीके से विकास होता रहे, आगे भी ये बायतु बढ़ता रहे, इसके लिए हमें सबको एक होके हरिजी चौधरी साहब को यहाँ से विजय बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।